नमस्कार। कोई माने या न माने, अपना मानना है कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भाजपा के लिए अब गले की हड्डी है। उनके पेत्रों से जम्मू में भाजपा का हिंदू समर्थक खपा है। भाजपा भले महबूबा सरकार और उनकी पुलिस पर कठुआ कांड में हिंदुओं को फंसाने की राजनीति करे, जम्मू क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण बनवाए, तब भी आम चुनाव में भाजपा वहां अपने को बचा नहीं पाएगी। जिस थीसिस पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने मुस्लिम बहुल घाटी, हिंदू बहुल जम्मू के जनादेश पर साझा सरकार बनाई, वह पूरी तरह फेल है। दोनों समुदाय को आमने सामने लाकर राजनीति हो रही है। इसलिए खटका है कि महबूबा मुफ्ती घाटी में खोए मुस्लिम समर्थन की वापसी के लिए आगे और ऐसे पेतरे चलेगी जिससे भाजपा को लेने के देने पड़े। इस पर अब मेरी वरिष्ठ पत्रकार और जम्मू कश्मीर की जमीनी हकीकत के गहरे जानकार पुष्प सर्राफ से बातचीत है। पुष्प जी, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती क्या भाजपा को फंसाने या उलझाने वाली राजनीति करती हुई नहीं लगती है आपको? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे तो लगता है कि दोनों दल जो इस वक्त संयुक्त सरकार चला रहे हैं, वो अपने अपने प्रभाव क्षेत्र के आगे सोचने की स्थिति में नहीं लग रहे। नहीं, लेकिन तो उनके भाई ने जो कहा है, भाई ने जो राजनीति, भाई जो करता हुआ लगता है, मैं मतलब, लेकिन पूरे परिवार को तो मानेंगे। हाँ, तसद्दुक मुफ्ती जो है, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, वो जो इंटरव्यू है, जो भी जम्मू कश्मीर की स्थिति को समझते हैं वो उसके साथ सहमत होंगे। और उसमें भाजपा को फंसाने वाली बात नहीं। उसमें एक लाइन बड़ी जबरदस्त लगी मुझे, क्या, और मैं उसी इंटरव्यू के आधार पर ये कह रहा हूँ कि तीन साल पहले मुझे लगता था कि जो नरेंद्र मोदी है वो स्टेट्समैनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मतलब उन्होंने इस पे छोड़ दिया। पर उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो निष्कर्ष है हम निकाल सकते हैं कि अब वो ऐसा नहीं सोचते, उनको ये लग रहा था कि शांति की स्थापना की जाएगी। मतलब ये पीडीपी अब नहीं सोच रही है, पीडीपी अपने भी छोड़ा ना। मुझे ये अभी पूरी जानकारी नहीं है इस वक्त, क्योंकि आज सुबह बयान छपा है। और नहीं नहीं नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि पीडीपी की अपनी ओपिनियन है, या पीडीपी के एक प्रभावशाली नेता ही कहना चाहिए, क्योंकि वो मुफ्ती साहब के बेटे रहे हैं, महबूब चीफ मिनिस्टर के भाई हैं, जो पर वो राजनीति में अभी नए नए आए हैं। नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि उनकी अपनी निजी राय है, पीडीपी की राय है? नहीं, लेकिन जैसी पोजीशनिंग कठुआ कांड के बाद में, एक तरफ से मुख्यमंत्री और इनकी जो प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है या पीडीपी की जो पोजीशन है वो एक तरफ है, दूसरी तरफ उसी सरकार की साझेदार भाजपा की जम्मू विंग, उसके नेता मंत्रियों की जो दूसरी पोजीशन है, उसमें जो ये वो हुआ, टकराव तो बड़ा टकराव तो साफ हो रहा है। तो वो टकराव में एक दूसरे की लायबिलिटी नहीं बनते हुए लगते हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। और मेरे ख्याल में एक दो दिन में कैबिनेट मीटिंग होने लगी है, तो उसमें क्या नतीजा निकलते हैं और क्या जो किस तरह से ये घटना पे उस पर गौर करते हैं, किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से इस बात का प्रयास करते हैं कि सरकार एक चेहरा लोगों के सामने रखे। नहीं, आपका मानना है कि आज की जो हालात है या जो अभी पेतरे चले गए, उसमें ये 2019 के अंदर साझा मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2019 में नहीं, रियासत में 2020 में चुनाव, नहीं नहीं, 2019 लोकसभा चुनाव में जम्मू और घाटी के अंदर मिलकर ही साझेदार कुछ पर आज कर सकते चुनाव। कई फैक्टर जो उस वक्त के होंगे वो उस वक्त ये लोग सोचेंगे, दोनों पार्टियां ही सोचेंगी। और उनमें एक मुख्य फैक्टर ये भी होगा कि देश में जो नरेंद्र मोदी का जो माहौल है, जो ग्राफ है, उस हिसाब से फैसला पीडीपी उस हिसाब से करेगी। किस तरफ हवा का रुख है देश में, खासकर प्रधानमंत्री को लेके, जिनके नाम पे भाजपा। नहीं, लेकिन पीडीपी के पास तो कोई दूसरे ऑप्शन वैसे तो नहीं बनता, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपोजिशन कांग्रेस के साथ में एक तारतम्यता बनाई हुई है। पीडीपी को कौन अब छुएगा? पीडीपी को तो कोई छूने वाला नहीं, कोई राष्ट्रीय पार्टियों में तो कहीं वो जाने वाली नहीं है, ये जा नहीं सकती, तो मजबूरी भी एक बन सकती है। कभी भी वो हवा बदल सकती है, कश्मीर की राजनीति या राज्य, कभी भी उल्टा पलटी मारी जा सकती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, इसके कि आज की तारीख में जो मुश्किल लगता है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलेंगे 2019 में या बाद में, पर पीडीपी और कांग्रेस भी मिल सकती। लेकिन आपको ये नहीं मानना है कि जो प्रयोग किया, जिस थीसिस के ऊपर
नरेंद्र मोदी और भाजपा ने पीडीपी के साथ अलायंस बनाकर एक नया प्रयोग किया था, वो थीसिस घटनाओं ने और आज के वक्त में फेल है या उसमें नहीं है? ठीक है, अभी वो चलती हुई थीसिस कामयाब होती हुई नजर आती है? थीसिस से आपका मतलब? मतलब ये इन्होंने जो सोच कर, मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ, एजेंडा फॉर अलायंस हाँ, 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 उसमें बड़ा स्पष्ट था कि हाँ, हम जो अपने पड़ोसी हैं उनसे बात करेंगे, हाँ, जो स्टेक होल्डर हैं उनसे बात करेंगे। मैं एक दूसरा ये भी था कि जम्मू के जनादेश और घाटी के जनादेश मुस्लिम और हिंदू का मिलाकर एक तरह से उस जनादेश का सम्मान करते हुए साझा सरकार बनानी चाहिए, ये एक बड़ा राजनीतिक वो था प्रयोग जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं का, हाँ, उनको दोनों क्षेत्रों को, हाँ, मुख्य क्षेत्रों को, हाँ, एक दूसरे के पास लाएंगे, हाँ, वो सब नहीं हुआ है, हाँ, वो नहीं पर उसमें मतलब जो पीस का जो था कि शांति को स्थापित करेंगे, हाँ, सब लोगों को मिला जुला के लेके साथ चलेंगे, हाँ, वो नहीं हुआ है, हाँ, नहीं लेकिन वही तसद्दुक के इंटरव्यू में भी स्पष्ट होता है। नहीं लेकिन लेकिन राजनीतिक तौर पर भी जो ये कि हिंदू और जम्मू के हिंदू या लद्दाख के बौद्ध और इनकी केमिस्ट्री में साझा काम हो, एक नया सद्भाव बने, शायद वो हो, ये तो पूरा मामला फेल हुआ। उल्टे आज ज़्यादा एक दूसरे के से भिड़े हुए लगते हैं, दोनों पार्टियां भिड़ी हुई, पार्टियां भी भिड़ी हुई और उनके समर्थक भी, समर्थक भी भिड़े हैं, हाँ? लोग उम्मीद की जानी चाहिए कि थोड़ा संभाल कर संयम के सब उसके साथ चलेंगे, हाँ, क्योंकि अगर नहीं चले तो फिर स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। पर आपके अनुसार पिछले नेक्स्ट वन ईयर बड़ा क्रूशियल होगा जम्मू कश्मीर के लिए। अभी तक जो कुछ वहाँ है जमीनी हकीकत में, उसमें महबूबा मुफ्ती घाटी के अंदर कितना कॉन्फिडेंस में है कि स्थितियों पर कंट्रोल होकर वो चुनाव कायदे से लड़ सकेगी? है उनका कॉन्फिडेंस? अभी मेरे ख्याल उनको कॉन्फिडेंस लगता नहीं, क्योंकि अनंतनाग में चुनाव होना था, कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें, वो अभी तक हुआ नहीं, हुआ नहीं। जबकि देश के कई हिस्सों में हमने देखा कि चुनाव करा दिए गए, अभी की 2019 में होने थे, कईयों का मानना था कि इंतजार कर सकते थे, तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाजपा के साथ जाना का जो फैसला था वो ठीक नहीं रहा। तो ये बात भाजपा वाले भी सोच सकते हैं, नहीं, सोच रहे, ठीक है, नहीं, सोच रहे हैं। भाजपा ने कोई ऐसा कहते हैं कि हमने गंभीर प्रयास किया है, ऑफिस भी बना रहे हैं या बना दिया होगा, पर भाजपा के नेताओं ने भी कोई ऐसा गंभीर प्रयास नहीं किया कि घाटी में उनका प्रभाव बढ़े या घाटी के जो एस्पिरेशंस है उनको समझ पाए। मतलब कुल मिलाकर महबूबा और भाजपा दोनों दुविधा में, दोनों अनिश्चितता में, दोनों अपने प्रयोग अपने साझे पने को लेकर कोई आश्वस्त वाली स्थिति में आज नहीं है? नहीं, दोनों दुविधा में हैं, है, क्योंकि सत्ता का मामला है, लेकिन सत्ता है कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वो दोनों का स्पष्ट है कि अगर वो नहीं हुआ तो एक नारा तो लगा ही देंगे, अपने अपना जो उनका नारा है, वो तो अपने अपने इलाके में करके आगे राजनीति कर ही, पर उसमें भाजपा लगता है कि काफी कमजोर पड़ गई है। पुष्प जी, बातचीत यहीं समाप्त करेंगे, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है प्रोग्राम जचा होगा। अपनी राय, अपना सुझाव कमेंट लिखे भेजे। यदि सोशल मीडिया की कोई बात मुझसे शेयर करनी हो तो मोबाइल नंबर 09717748382 पर मुझे भेजे। आपसे रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे हुए सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं। वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले। धन्यवाद, नमस्कार।